और भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। मैंने सुना तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। हाँ यार, उसने क्या तुमने मैंने किया क्यों यार, कुछ कॉलेज के लड़कों ने बताया कि वो फ्लर्ट है। प्रूफ क्या तुम्हारे पास? कॉलेज के लड़के बता रहे थे उसने किसी लड़के को किस किया यार। यार तुम्हें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, तुम्हारे सिस्टर का ना दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बोल रहे भाई? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे सुनने में आया। कहाँ से सुना तूने? कॉलेज के लड़के बोल रहे थे। और तूने मान लिया? मानना ही पड़ेगा, और क्या करूँ। अपनी शक्ल देखो, तुम्हारे सिस्टर के बारे में बोला तो चेहरा लाल पीला हो गया। मैंने अक्सर लड़कों को लड़कियों के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाते देखा है, और आज तू भी वही कर रहा है। किसी ने उसके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया और तूने मान लिया, और बिना सोचे समझे उसको स्लिट बोल दिया। तो होता कौन है उसको स्लिट बोलने वाला? जब तू उस बंदी के साथ रिलेशनशिप में था तब तू न जाने कितनी लड़कियों से बात करता था और मिलने भी जाता था, और मेरे सामने उससे कितने झूठ बोले। स्लट वो नहीं तू है। लड़की छोटे कपड़े पहने तो स्लट, लेट नाइट पार्टीज़ करें तो स्लट, लड़कों के साथ घूमे तो स्लट, स्लट स्लट स्लट। किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और भी काम है लाइफ में यार, क्यों किसी की लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस देना? क्यों किसी के बारे में ऐसा बोलना? क्यों किसी की लाइफ को बर्बाद करना? स्टॉप जजिंग पीपल यार। थैंक यू भाई, तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि रिलेशनशिप क्या होता है। अब मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा और उससे जाके माफ़ी मांगूँगा। गाइस, कहीं आप लोग भी ऐसे रूमर्स का शिकार तो नहीं है? अगर हैं तो प्लीज़ आप लोग इस मैसेज से कुछ सीखिए और अपने पार्टनर से रिलेशनशिप पक्का करिए। जाकर रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जिसे आप बना के रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप और बेस्ट होगा। ओके